बोंदता से अपने प्यार का इजहार करने के लिए अब अनिरुद्ध करेगा अपनी सारी हदें पार। अपनी जान जोखिम में डालकर कृष्णा नगर पहुंचेगा बोंदता के लिए। जी हाँ दोस्तों, बैरिस्टर बाबू में अब अनिरुद्ध सारी हदें पार करते हुए नजर आने वाला है अपने प्यार यानी के बोंदता के लिए और उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए, क्योंकि जितनी बार भी अनिरुद्ध ने अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की है बोंदता ने उसे हमेशा ही रोक दिया है। हालांकि हमने आज के एपिसोड में ये भी देखा कि बोंदता वापस लंडन जाने का फैसला कर लेती है, वो भी हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर संपूर्णा आकर बोंदता को रोकने की कोशिश करती है कि वो अपना फैसला बदल दे, क्योंकि अनिरुद्ध उससे बहुत प्यार करता है। साथ ही बोंदता भी अपने सखा बाबू से बहुत ज्यादा प्यार करती है और यहाँ पर इमोशनली वीक पड़ जाती है बोंदता थोड़ी सी। लेकिन दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें अनिरुद्ध अपनी बोंदता के पास आएगा अपनी जान जोखिम में डालकर, क्योंकि कृष्णा नगर और तुलसीपुर की दुश्मनी अभी भी बरकरार है, अभी खत्म नहीं हुई है। और ऐसे में अगर अनिरुद्ध कृष्णा नगर जाता है तो उसकी जान को खतरा भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अनिरुद्ध कृष्णा का अवतार लेकर जाएगा कृष्णा नगर अपनी बोंदता से अपने प्यार का इजहार करने के लिए। और इस बारे में बोंदता को भी कोई भी अंदाजा नहीं होगा कि उसके सखा बाबू, उसके बैरिस्टर बाबू कृष्णा के रूप में वहां पर आने वाले हैं। जो वो अनिरुद्ध है वो बोंदता से पहले ही फोन पर कह देगा कि वो उससे मिलने के लिए कृष्णा नगर आएगा और अपने प्यार का इजहार करके ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर बोंदता को यकीन नहीं होगा। लेकिन जब जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा और उसमें कन्हैया जी आएंगे और वो और कोई नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही होगा, यहाँ पर बोंदता को भी एहसास नहीं होगा कि कृष्णा के अवतार में उसके सखा बाबू हैं। लेकिन वो जैसे ही कृष्णा को बांसुरी पकड़ा रही होगी तभी अनिरुद्ध कहेगा कि मैंने कहा था ना, आज तो मैं अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा। अनिरुद्ध की आवाज सुनते ही बस बोंदता हो जाएगी शॉक। उसे डर भी लगने लगेगा क्योंकि अनिरुद्ध जो कृष्णा नगर है उसका दुश्मन है और वो यहाँ पर है दुश्मनों के बीच में, तो उसकी जान को खतरा भी है। लेकिन अनिरुद्ध प्यार के लिए करेगा अपनी सारी हदें पार और कह देगा अपने दिल की बात बोंदता से फाइनली। वैसे आप लोग कितना एक्साइटेड हैं दोनों के प्यार को लेकर कि कब अनिरुद्ध करेगा अपने प्यार का इजहार, और क्या अनिरुद्ध के प्यार का इजहार करने के बाद क्या बोंदता भी कह देगी अपने दिल की बात? क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। और क्या लगता है, क्या बोंदता लंदन जाने का फैसला बदल देगी? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। टीवी शोज और बॉलीवुड के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए चैनल के साथ।